एवरीवन वेलकम टू शिवराज पाथवेज ऑफ लिविंग। चलिए बात करते हैं आज के ब्लॉग की। तो हम आए थे थोड़ा इधर मार्केट में, जिनमें कि अपने कुछ कपड़े की स्टिचिंग वगैरह थी वो लेके आई है, ऑल्ट्रेशन वगैरह था कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल में, जैसे मैंने बताया हमारी शादी आने वाली है, तो मैं देखता हूँ अपने लिए कुछ अगर लूँगा, नहीं लूँगा तो पुराने कपड़ों में कभी काम चल जाएगा, नहीं तो देख लेंगे क्या लेना है। समझ में आने के ऊपर है, समझ में अच्छा आ गया तो ले ही लेंगे। क्या बोलती टीनी? है क्या बोलती है? Yes, टीनी अपने कपड़ों में बिजी है भाई। नहीं मैं देख रहा हूं, हमारे वाले पे ध्यान ही नहीं है भाई। ऐसे ही होता है, ऐसे कभी हुआ है कि मैं आप पे ध्यान नहीं दिया हूँ? है ऐसे कभी हुआ है आप पे, बच्चों पे ध्यान नहीं? हाँ तो अभी तो ध्यान ही नहीं दे रही हूँ ना, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। आज टीनी ने वॉच बड़ी डिफरेंट पहन रखी भाई, वैसे वीर की है वो, वीर की वॉच हो। अच्छा ये जो हमने ली थी वो वाली वॉच है। चलिए गाइस मिलते हैं आपको सीधे मॉल R7। चलिए हो गई गाड़ी पार्क, हम गए थे वॉशिंग के लिए, लेकिन आज वॉशिंग में इतनी सारी भीड़ लगी कि नंबर ही नहीं, 3 घंटे के बाद बोल रहे नंबर आएगा, पर मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मॉल में तो इतनी पार्किंग खाली है, फिर कैसे बोल रहे कि भीड़ है इतनी। गाड़ी मेरे को क्लीन करानी थी वैसे भी। ये वाला भी नहीं है। गाइस ले लिया मैंने अपने लिए भी एथनिक सिटी से, हाँ ये चुनने के लिए कह रहे थे बट मेरे को अच्छा नहीं लगता है स्टॉल। ये देखिए गाइस यहाँ पे खुल गया गुड फ्लिपिंग। अच्छा ये तो अपना वाला ही है ना? अच्छा ये वही है जो हमने खाया, अभी इसको एक्सप्लोर करके कोई फायदा नहीं क्योंकि हमने खा लिया है। चाहे तो एक बर्गर खाना है तो खा सकते हैं। गुड फ्लिपिंग बर्गर के रेस्टोरेंट में आ गया आज हम खाने के लिए। देखिए हमारा ऑर्डर हो गया रेडी। चलिए आ गया गाइस हमारा गुड फ्लिपिंग, ये वाला ना। चलिए ये वाला बर्गर या ये वाला बर्गर है, दो अलग अलग बर्गर। अच्छा ये तो प्राइस है, ओहो ये बर्गर है यार, इसी से पेट भर जाएगा फिर। इसको तो बाद में लेके भी जा सकते, इसको नहीं लेके जा सकते, इसको खा लेते हैं। ये अपनी लेमन आइस टी है, ये अच्छी हो रही है, और ये ब्लूबेरी वाला का मिल्क शेक। तो मैं खा रहा हूँ आज गोवावा फ्लेवर, और टीनी तो खा रही है ब्लैक करंट। सामने है मान्यवर। टीनी कह रही थी मुझे ये लेने के लिए ये शर्ट का, बट मुझे समझ में नहीं आया। ये गाइस बज गए 6:20 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। खाना खाया नहीं था सुबह से, तो अभी एक बर्गर और रोल खा लिया टिफिन बर्गर से, वहाँ का रेस्टोरेंट था। लास्ट टाइम अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे जो बर्गर के बारे में, तो इनके बर्गर काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो आज इनका देखा, रेस्टोरेंट भी खुल गया तो अच्छा है, गुड। टिनी को देखो, मैंने इसको अपनी आइसक्रीम टेस्ट कराई और इसने मेरे को एक बार भी अपनी आइसक्रीम पूछी भी नहीं। कौन सा वाला ये ले? ये मेरे को ओके। और ये वाला ये पूजा पूजा ये खाली है ना, इसमें क्या डालना है? पूजा का जो लिया है ना सामान, अच्छा इसमें डालना है। ओके चलो गाइस टिक्की खोलते हैं। पहुंच गए हम लोग, ले लो लीजिए भाई, डालिए इसको इसमें डालो। चलो पूजा का सामान भी डल गया। अब बाप रे गाड़ी का ये बहुत हैवी हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी खरीदनी पड़ेगी ना, गाड़ियों की वो जो ईयर है ना वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हाँ सबसे पहली वाली गाड़ी हमने 7 या 8 साल में, 8 साल ठीक है, और इसके इसके उसके बाद आई थी i10, वो 4-4.5 साल में, फिर बेलेनो 3.5 साढ़े 3, इसको भी हो गए 3 साल, इसको 3 साल हो गए गाइस, अभी चौथा साल शुरू होने वाला है। चौथा चल रहा है मेरे ख्याल में, पता चल रहा है। हाँ तो ये देखिए दो पासिस भी आ गए अपने पास, टीना और मेरे,
और वीर के पास उसका पास आ चुका है ऑलरेडी। पासिस जो है ये आपके गरबा के पासिस है, हमारे यहाँ पे गरबा का पूरा क्या बोलते हैं पंडाल लगता है, तो वहाँ पे खूब गरबा वगैरह होती है। तो अभी हमको दो पासिस मिल गए हैं, तब हम इसको सैटरडे संडे तो ऑफकोर्स जाएंगे, बाकी दिन देखते हैं टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। वैसे भी तो जब मैं आऊँगा एक घंटा तो जा ही सकते हैं। वैसे भी ये वाला वीडियो मेरा वायरल हो रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो। ये ढाबा स्टाइल मैंने डाला था, ढाबा स्टाइल ये काफ़ी इसके मैं देख रहा हूँ व्यूज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, अभी लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हम गए थे दारा ढाबा में और वहाँ पे हमने खाया था क्या बोलते हैं मटन रोगन जोश और चिकन आफ्ताब। आपने अगर ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो जाके देख सकते हैं। ये देखिए क्या मस्त तरीके से मैं खा रहा था एकदम, अभी भी हमको खुद देख के मुँह में पानी आ रहा है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ अपने लिए, और कोइंसिडेंटली मेरे को आज बढ़िया चीज़ें मिल गई हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है अभी मैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये जो साइन आपको दिख रहा है अंडर आर्मर का है, इनके जो ड्रेस शूज़ वगैरह जो भी रहते हैं दे आर वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट बाकी ब्रांड्स के भी रहते हैं लेकिन मेरे को ये ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कह रहे हैं, ज़्यादा कम्फर्टेबल लगते हैं। ये भी मैं देख सकते हो, ये भी टी शर्ट है और भी टी शर्ट्स हैं मेरे पास, तो आज मैंने कुछ शॉपिंग इसी की है। तो मैं कैमरा दे रहा हूँ टीनी को, टीना बताएगी क्या, क्योंकि मैं इधर उधर जाता हूँ तो मेरे को अभी ड्रेसेस काफ़ी लगती हैं। तो ये देखिए ये है आपका, लाइट आ रही टीनी, पूरी लाइट जलाने की ज़रूरत तो नहीं है, थोड़ा लग रहा है। हाँ एक बस ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने लिया एक क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट्स, और इसका जो कपड़ा है ना एकदम डिफरेंट है, प्रिंटेड है कपड़ा और देखो एकदम मस्त। फिर इसके साथ हमने लिया है ये देखिए ये एक टी शर्ट लिया है, ब्राउन कलर, लाइट में भी कितना दिख रहा होगा पता नहीं, ब्राउन नहीं ग्रे 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 सॉरी ग्रे टिनी को ज्यादा मालूम है। ये इस बार मैंने थोड़ा एक डिफरेंट लिया है शॉर्ट्स, और इसके अंदर जो है आप ये देखोगे इसको टाइट्स कहते हैं, तो ये अंदर पहनो उसके ऊपर ये कवर है, मस्त लग रहा है पहन के। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का यूज करा है और काफी कम्फर्टेबल है, और ये सारे साइज थोड़े मेरे डिफरेंट ही आए हैं। और ये देखिए गाइस ये एक और है ये, अब ये कौन सा कलर है टीनी, ब्लैक नहीं ये काइंड ऑफ ग्रे ही है लेकिन इसमें ब्लू शेड है, ग्रे ग्रेइश और ग्रे एंड ब्लू शेड इसका है। और मैं ज्यादा लोगो बड़े बड़े ढूंढता नहीं, और छोटे मोटे मेरे को रहे तो ठीक रहते, सिंपल रहे तो ज्यादा बट। ये एक टी शर्ट आई इसमें थोड़ा सा दिख रहा है बट हल्का दिख रहा है ब्लैक, ठीक है चलो ये ब्लैकिश है। तो ये मेरे ड्रेस मैंने लिए, थोड़ा क्वालिटी बेटर किया मैंने, तो ये मतलब मजबूत रहती है चीज़ें, और ये बहुत देख सकते हो एकदम लास्टिक इनका मस्त है, ड्राई फिट होती हैं सो बेटर है। तो इस ब्लॉग को मैं सोचता हूँ अभी ज़्यादा लंबा ना करें क्योंकि कल नवरात्रि भी है, अभी सोने की भी तैयारी करनी है और कल सुबह भी उठना है, पूजा भी है, और 9 दिन कंटिन्यू मेरे माता के व्रत होने वाले हैं, और उसके व्रत होते ही तुरंत हमको फिर एक हमारी मैरिज में भी जाना है, और मैरिज का भी 3-4 दिन का हमारा बहुत टाइट शेड्यूल है। तो और वो होने के बाद फिर मेरे आगे के बहुत सारे शेड्यूल्स टाइट हैं, तो लाइफ बिजी रहनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमारा रैम्बो भी यहाँ पे सुन रहा है, सो भी रहा है सुन भी रहा है, रैम्बो रैम्बो, और देखो पल के देखो उसे कैसे आ रहा है कैमरे में, चलिए गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे मैंने बोला हमारा दारादा ढाबा वाला जो ब्लॉग है वो काफी वायरल हो रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख ले। चलिए इस ब्लॉग को करते ही खत्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत पाथवेज ऑफ लिविंग के साथ।